लंबा रेस्टोरेंट। पूरे बेंगलोर हाईवे के पास है एक जगह, उसका नाम है खेर शिवापुर। ये रेस्टोरेंट वहीं पर है और वो है फैमिली रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट वहाँ के खाने के लिए बहुत फेमस है और वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। और गाइस, स्पेशली वहाँ की मटन थाली एकदम अमेजिंग होती है और वहाँ की डिशेस पूरी घी से बनी होती। इनफैक्ट वो राइस एकदम घी से डूबी होती है। और फ्रेंड्स, मुझे बोलते हुए भी भूख लग रही है, तो देर ना करते हैं, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। वहाँ का रेस्टोरेंट बहुत फेमस है और वहाँ का खाना हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। ये देखोगे तो ब्यूटीफुल व्यू है ना। जाते जाते थोड़ी सी मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। और ये देखो फ्रेंड्स, इस फ्लावर का नाम है कॉस्मोस फ्लावर। फ्रेंड्स, ये फ्लावर अपनी आप पूरी सिटी में निकल गया है और ये तो प्यारा लग रहा था कि मैं पूरे रास्ते इसे ही देख रही थी। और ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाले हैं और हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन इनका खाना बहुत अमेजिंग है। ये देखो, ये इनका डाइनिंग एरिया है। एक्चुअली ये काफी बड़ा है और हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और ये आ चुका है हमारा मेन्यू, लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ की मटन थाली खाने वाले हैं। और ये है वहाँ की स्पेशल मटन थाली। इसमें मटन के साथ साथ उसमें टू टाइप्स की ग्रेवी होती है, उसके साथ ही होती है एक बटर नान और भाकरी, और उसमें होती है एक राइस बॉल जो पूरी घी से डूबी होती है। और मसाला पापड़ मेरी फेवरेट है, इसमें मसाला पापड़ खा रही हूँ। और ये है रेस्टोरेंट का किचन जहाँ पर खाना बनता है। और ये आगे राइस बोल जो मैंने आपको बताया था, वो पूरी घी से डूबी होती है। और यहाँ हमने कुछ चिकन और पनीर भी ऑर्डर किया था टेस्ट करने के लिए। और अभी हमारा लंच हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिल देने के लिए काउंटर पे। अभी हमारे बिल पे हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और फ्रेंड्स, वो वाले फ्लावर अभी हम लोग को वापस से दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल करके इतनी थक गई हूँ कि मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा। अभी मैं आराम करूँ, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट शॉर्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बाय।